टॉप 20 न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय सिंबायोसिस सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूँ आपके साथ भाग्यश्री। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की महिलाओं को बड़ी सौगात देने का ऐलान किया। पीएम मोदी ने घोषणा करते हुए शुक्रवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट देने का फैसला किया है। अमेरिकी सांसद को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल कैंसर के इलाज में हो रहा है। कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को लेकर दुनिया भर में उठ रहे सवालों के बीच कैंसर के इलाज में इसके इस्तेमाल से नई बहस शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी आज से लोकसभा कैंपेन की शुरुआत करेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान लोकसभा के कैंपेन को पार्टी दफ्तर में लॉन्च करेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरात के दाहोद में है। इस बीच कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि आज कल और परसों हम गुजरात में रहेंगे। गुजरात में हमारा बहुत अच्छा स्वागत हुआ है। आज दोपहर में हम गोथा में जाएंगे और वही रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम की 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे और वहां 18,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। बाद में भी कुछ कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए अरुणाचल प्रदेश के लिए रवाना होंगे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का कहना है कि राज्य सरकार ने फिल्म आर्टिकल 370 को टैक्स फ्री करने का फैसला किया है। हमने इसकी घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम की 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे और वहां 18,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। बाद में भी कुछ कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए अरुणाचल प्रदेश के लिए रवाना होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे परंपरागत सीट कलबुर्गी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। वह इस समय इंडिया गठबंधन में भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, लिहाजा उन्होंने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय जापान के दौरे पर हैं। उन्होंने टोक्यो में एक थिंक टैंक के कार्यक्रम रायसीना गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान जयशंकर ने चीन की नापाक हरकतों का जिक्र किया और इस पर आरोप लगाया कि उसने भारत के साथ लंबे समय से चले आ रहे लिखित समझौतों का पालन नहीं किया है। अगर आप शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। आज यानी 8 मार्च 2028 शुक्रवार के दिन पूरे देश में महाशिवरात्रि का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर कई राज्यों में छुट्टी रहने वाली है। इसी के साथ ही शेयर बाजार में आज कोई कारोबार नहीं होगा। शिवसेना यूपीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने भले ही उनके विधायकों को अपने पाले में कर उनके दल को तोड़ दिया, लेकिन उनकी पार्टी खत्म नहीं हुई है। बम्बई हाई कोर्ट ने मराठा समुदाय को नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण देने के फैसले के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुए ने कहा कि महायुति में सीट बंटवारे को लेकर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, प्रारंभिक चर्चा सकारात्मक रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन ने गुरुवार को एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार को आगामी आम चुनाव में कम से कम एक लोकसभा सीट जीतने की चुनौती दी है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर बैठक की। इस बैठक के बाद लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर पत्रकारों को जानकारी दी। उन्होंने एक तरह से संकेत दिए हैं कांग्रेस चुनाव में एक्टर राज बब्बर और गोविंदा को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार डोमेस्टिक वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा से जुड़े लाभ से जोड़ने के लिए एक अभियान की शुरुआत करेंगे। दरअसल यह असंगठित क्षेत्र के लोगों तक पहुंच बनाने की एक कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। शरद पवार ने सुनील शेलके को कड़ी चेतावनी दी है। लोनावला में पवार ने कहा कि याद रखें कि आपके उस आवेदन पत्र पर मेरे हस्ताक्षर हैं। यदि आप भविष्य में ऐसा कुछ करते हैं तो यह मत भूलिए कि वे मुझे शरद पवार कहते हैं। मैं उस तरह भी नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अगर जाऊँगा तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे मराठा नेता मनोज जरांगे ने हर गांव से लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। मराठा नेता के ऐलान से धाराशिव के कलेक्टर चिंतित हैं। उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर सुझाव मांगा है।
स्टार प्लस के मशहूर सीरियल बदतमीज दिल फेम एक्ट्रेस अभिनेत्री अमनदीप सोही का निधन हो गया है। इंडस्ट्री के उनके कई साथी कलाकार सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अमनदीप सोही की बीमारी से उनके कई दोस्त अनजान थे। अमनदीप की बहन डॉली भी एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए इनबिज न्यूज। नमस्कार।